तो राम राम गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं बेहद ही प्राचीन मंदिर में जो कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसा है वो मंदिर। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, एक प्राचीन शिव मंदिर है। तो आइए देखते हैं इसकी प्राचीन वास्तुकला और शिल्पकला को, और देखेंगे कि किस तरह ये बनाया गया है और कितनी शताब्दी पहले बनाया गया है। देखने में तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, पर आइए इसे नज़दीक से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का वास्तुकला का परिचय दिया इस मंदिर ने। मंदिर के चारों तरफ बाहरी दीवारों में अनगिनत मूर्तियां बनी हुई है, जिसमें शंकर भगवान, गणेश भगवान, ब्रह्मा भगवान और भी कई नृत्य कला का प्रदर्शन है दोस्तों। इस पे आप थोड़ा नज़दीक करूँगा, जूम करने पे आपको दिखेगा। आप देख सकते हैं किस तरह इस तरह की कलाकृति बनाई गई है, और ये बोला जाता है कि 1060 ईस्वी पुराना है, परंतु ये 1060 ईस्वी पुराना नहीं है। इसे यहाँ के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि ये महाभारत काल का बना है। दोस्तों, पांडव जब अपने अज्ञातवास के दौरान हर जगह जगह भटक रहे थे, तो उन्होंने एक बार यहाँ भी विजिट किया था, और यहाँ विजिट करने के बाद उन्होंने ये मंदिर एक ही दिन में बनाए, परंतु कौरवों का लगातार पीछा किए जाने की वजह से उन्हें यहाँ से भागना पड़ा और ये मंदिर का कार्य अधूरा ही रह गया, जिससे कि इसका गुंबद भी नहीं बन पाया है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका गुंबद अभी तक बना नहीं है। गाइस, हमने बाहर तो घूम लिया, लेकिन अब मंदिर के अंदर चलते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं, और आपको भी शिव जी के दर्शन कराते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, कि ज़्यादा लाइट ना होने की वजह से मंदिर के अंदर काफ़ी अंधेरा है, पर जितना हो सकेगा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। गाइस, मंदिर को खड़ा रखने के लिए इसमें कई सारे पिलर्स पहले से मौजूद हैं, लेकिन इस मंदिर के हजारों साल पुराने होने की वजह से मंदिर क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, इसलिए इसमें मंदिर परिसर में कई सारे लोहे के पिलर्स भी ऐड किए हैं। दोस्तों, इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए तीन रास्ते हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक सामने है दोस्तों। तो चलिए अब हम गर्भगृह के अंदर प्रवेश करेंगे और देखेंगे माँ शिवलिंग को। तो यहाँ हमने घंटा बजा दिया दोस्तों, और आप घंटा बजाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए अब शंकर भगवान को प्रणाम करके नीचे गर्भगृह में उतरते हैं। तो दोस्तों, गर्भगृह में जाके शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, बस 9 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ेंगी, और उसके बाद आप शंकर भगवान के दर्शन कर सकते हो। और फाइनली हम लोग नीचे पहुंच गए दोस्तों। अभी सुबह का टाइम है, इसीलिए श्रद्धालुओं के यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी मंदिर के साफ सफाई का काम चल रहा है दोस्तों। ये वही ऊपर का हिस्सा है जो कभी बन नहीं पाया, और हम लोग यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत वीडियोज भी हमने बना ली है। अब चलेंगे बाहर में और आपको दिखाएंगे मंदिर के बाहर का नज़ारा। उससे पहले आप मंदिर के ऊपर का हिस्सा देख लो जो कभी बन नहीं पाया दोस्तों। और चलिए अब आपको मैं लेकर चलता हूँ मंदिर के दूसरी साइड पे। दोस्तों, आपने हजारों मंदिर घूमे होंगे, लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आपने दुनिया में ऐसा एक भी मंदिर नहीं देखा होगा जिसमें नंदी भगवान की दो दो प्रतिमाएं एक साथ हों या फिर एक मंदिर में हों। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस जैसा मंदिर विश्व में दूसरा कोई नहीं है। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर दो दो नंदी महाराज की प्रतिमाएँ हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मंदिर परिसर में ही कई और छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे कि एक गणेश जी का मंदिर है, उसके बगल में शिवलिंग विराजमान है, और जस्ट उसके बगल में दोस्त एक छोटा सा तालाब है, उस तालाब में ढेर सारे कछुए भी रहते हैं। आपको यहाँ मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये तालाब है। तो दोस्तों, इसी मंदिर के जस्ट पीछे कई और भी सारे मंदिर है, जैसे कि दुर्गा माँ, गणेश जी, लक्ष्मी माँ और बजरंग बली का भी मंदिर है दोस्तों। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए ऐतिहासिक स्थान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।